नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरबी के टेस्टी रोल। अरबी के रोल के लिए लगने वाली सामग्री, ये 1.5 कटोरी बेसन लिया है, तेल लगेगा थोड़ा, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया है, 1 चम्मच शक्कर ली है, पानी और ये अरबी के पत्ते धोकर सुखा लिए हैं, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार 1/2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, तिल 1 चम्मच, राई, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। चलिए अभी इसका बेसन का घोल बना लेते हैं। बेसन में डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, राई डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, इसमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी होता है, 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और ये पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक। स्वादानुसार नमक लेंगे, थोड़ा सा तेल लेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और इसका घोल बना लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बना लेंगे। ये हमने पानी गरम करने को रख दिया है, छलनी में तेल लगा लेंगे थोड़ा सा। ये इस तरह से घोल बना लिया है। ये पत्ते पे अभी घोल लगाएंगे। पत्ते का जो कड़ापन रहता है ये हमने निकाल दिया है। अब ये दूसरा पत्ता रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर और एक पत्ता रखेंगे, इस तरह से, जो पहला रखा था वैसा ही तीसरा रखेंगे। ये अरबी के रोल खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसको साइड से वैसे मोड़ लेंगे। आपके पत्ते छोटे बड़े हो वैसे बनाइए, ये बड़े हैं थोड़े तो मैं 3 का बना रही हूँ। अब इसको ऐसा मोड़ेंगे, इधर से इस साइड से ऐसा मोड़ते हुए इसका रोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते जाएंगे ऐसे। इसको ऊपर की साइड को
ऐसा मोड़ लेंगे। अब इसको ऐसा पलट लेंगे। अभी इसको छलनी में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे पत्ते के रोल बना लेते हैं। इस तरह से हमने सारे रोल बना लिए हैं। अभी इसे 15 मिनट तक पका लेंगे। देखिए अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी देख लेते हैं। देखो हमारी बड़ी रोल अच्छा हो गया है, पक चुका है। अभी इसे ठंडा कर लेते हैं। हमने तेल गरम करने को रख दिया है। तेल गरम हो रहा है जब तक ये रोल काट लेते हैं। रोल ठंडे हो चुके हैं, अब इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से सारे रोल काट लेते हैं। इस तरह से सारे रोल कट कर लिए हैं। अभी गरम हो गया है तेल, इसमें तल लेते हैं। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसे धीमी आंच पर तल लें ताकि अंदर तक तल जाए अच्छे से। शैलो फ्राई करके भी अच्छे लगते हैं और तल कर भी अच्छे लगते हैं। आपको अगर कम तेल खाना हो तो शैलो फ्राई कीजिए। देखो कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हम सारे रोल तल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे रोल तल लिए हैं। देखो कितने अच्छे बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।